प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए। पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, सत्य की, 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 बोले परम प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की, सकल सज्जन वृंद की, उन्हें परम प्रभु परमेश्वर की। आज सत्संग का तीसरा दिन है। जैसा कि आप सभी सुनते चले आ रहे हैं, दो दिन से यह सत्संग कार्यक्रम अन्य कथा प्रवचनों जैसे नहीं, अपितु इसका एक अलग से उद्देश्य है अपना, और वह उद्देश्य है आप सभी जीवों को अपने आप को जनाना मिलाना, और आप जीव को आपको जनाने दिखाने के साथ साथ आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जनाना दिखाना, तत्पश्चात परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाढ़ भगवान को भी जनाना दिखाना। इस प्रकार से जीव ईश्वर और परमेश्वर तीनों का अलग अलग यथार्थता जानकारी देना, प्रत्यक्षता दर्शन कराना, और बातचीत करते कराते हुए अस्पष्टता परिचय पहचान देना दिलाना इस सत्संग कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। आप सभी बंधुजन जो ईश्वर और परमेश्वर के दर्शन पर शंका संदेह अथवा आश्चर्य की दृष्टि बनाए रखते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि आप सभी का जीवन जो कुछ भी है, इसका उद्देश्य आप अपने आप में जो कुछ भी बनाए रखें, लेकिन मानव शरीर मानव जून का एकम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। आपके जीवन का भी उद्देश्य
यही है, इसे आपको जानना समझना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को मनमाना नियत नहीं कर लेना चाहिए, अपितु जो है उसे जानने समझने का, उसे देखने परखने का सत्प्रयास होना रहना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसी शरीर है जिसके माध्यम से आप संसार के किसी भी विषय वस्तु को यथार्थता जान सकते हैं और देखते हुए जांच परख पहचान कर करा सकते हैं। मानव जोनि के सिवाय अन्य किसी भी जोनि में ऐसा आप कोई लक्षण नहीं पाएंगे जो संसार के शरीर के जीव ईश्वर और परमेश्वर के अंतरों को बता सके, अलग अलग इन सब को जान सके, इन सबों के विषय में कोई अभिव्यक्ति दे सके। इस प्रकार से केवल मनुष्य शरीर ही ऐसी है, केवल मनुष्य शरीर जो इस ब्रह्मांड में परमाणु से लेकर के परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मानव योनि केवल ऐसी है जो ब्रह्मांड में सब कुछ की जानकारी प्राप्त कर सकती है, यहां तक कि ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के जो कुछ यानी जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, इस सब के रचयिता जो परमात्मा प्रोफेसर परम ब्रह्म है, आप उन्हें भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, परख पहचान कर करा सकते हैं। और केवल इसी प्रयोजन को लेकर के यह कार्यक्रम चल रहा है। जो आपको भ्रम है, जो आपको शंकाएं हैं कि कहीं हमको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म मिल सकता है, हमको भगवान मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भ्रम और शंका आपके दिल दिमाग में अनेकानेक कारणों से उत्पन्न होते रहता है। कभी तो आपके दिल दिमाग में होता है कि हम ऐसे पापी हैं, हम इस तरह से हमारे जैसे पापी को कहीं परमेश्वर मिल सकता है। कभी ये होता है कि हम तो घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, हम घर गृहस्थी में अपने लगे हुए हैं, अपने घर परिवार में लगे हुए हैं, तब इस घर परिवार में लगे रहते हुए कहीं हमको परमेश्वर मिल सकता है। कभी आपके दिल दिमाग में होता है कि हम कोई जप नहीं कर रहे हैं, कोई तप नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, खास करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो है इतने तप करते हैं, इतने जप करते हैं, नाना तरह के साधन करते हैं, लेकिन सब साधनों के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं। तो हम इस घर परिवार में बैठ करके जो है परमेश्वर को क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे। इन सब बातों को लेकर के आप जो है आप हम सभी जिस विषय को लेकर के यहाँ बैठे हैं, इसके विषय में जो चर्चा आपके बीच हो रही है, जैसा कि बार बार संकेत किया जा रहा है, किया जाता भी रहेगा, कि आप सभी को अपने जीवन के उद्देश्य रूप भगवत प्राप्ति को करना चाहिए। और भगवत प्राप्ति मात्र ही पर्याप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति वास्तव में धर्म के अंतर्गत एक ऐसी कड़ी है जहां से आपकी सच्ची जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। भगवत प्राप्ति आपके जीवन का फाइनल अंतिम चरण नहीं है, बल्कि आपके जीवन के अंतर्गत सच्चे जीवन का प्रारंभ है। भगवत प्राप्ति जो है आपका जीवन यात्रा जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, आपके अपने जीवन यात्रा की जो अंतिम मंजिल है मोक्ष, उस मोक्ष की तरफ ले चलने वाला जो एक जो दो राह होता है, जैसे एक जगह से
मान दो तरफ राख उड़ रहा हो, उसको उस मुड़ खोल की आने वाले को तिराहा कह दिया जाए, लेकिन यहाँ तो दो ही रास्ते हैं, एक भोग की तरफ ले जाने वाला और एक मोक्ष की तरफ ले जाने वाला। अब तक जो आप रहे हैं भोग वाले रास्ते से गुजर रहे थे, भूल भटक करके आप उस रास्ते को पकड़ बैठे थे जिसकी अंतिम मंजिल भोग है। जो रास्ता भोग की तरफ जाता है, भगवत प्राप्ति एक वह संकेत है, वह परिचय बनी, वह संकेत है, वह प्राप्ति है जिसके माध्यम से आप अपनी मंजिल की तरफ, जो मोक्ष रूपी मंजिल है, उसको प्राप्त करने का जो सही रास्ता है, जीवन की सही यात्रा है, अर्थात मोक्ष रूपी मंजिल की जो यात्रा है, उसका प्रारंभ है भगवत प्राप्ति। कुछ लोग ऐसा गलत भ्रमी बस मान बैठते हैं, अरे अब तो भगवान हमको मिल गया, अब तो मोक्ष होना ही होना है, हो ही जाएगा, इसमें बात सही है, लेकिन हर चीजों का, किसी भी विषय वस्तु का मनमाना अर्थ नहीं लगाने लेना चाहिए। हर विषय वस्तुओं का अपना अर्थ है, कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो अपने आप में अर्थ रहित हो, जिसकी अपनी कोई परिभाषा न हो, जिसका अपना कोई विधि विधान न हो। उस किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करते समय उसके परिभाषा को, अर्थ को, उसके जो विधि विधान है, उसको भी जान लेना अनिवार्य होता है। किसी भी विषय वस्तु को आप प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, जो उसकी पद्धति विधि विधान है, उसको अनिवार्यता जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अर्थ परिभाषा और विधि विधान को जाने बगैर उसका समुचित लाभ नहीं मिल सकता है। ये तो आप जान गए कि भगवत प्राप्ति हमको हो गई, जो प्राप्त है, और ये मान बैठे कि हम तो मोक्ष को, मुक्ति अमरता का बोध हमको हो गया, अब तो हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि जो भगवत प्राप्त होता है उसके लिए भी कुछ विधान है। मुक्ति भी चार प्रकार की बताई गई है, पांचवा कोई प्रकार नहीं है। और उन चार प्रकारों में जो है, पहला है सालोक्य मुक्ति, पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, यानी पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, और तीसरा है सारूप्य मुक्ति, और चौथा जो है सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति चार रूपों में है, चार विभागों में बटी हुई है। अब इसके यथार्थ रूप को न समझकर, इसके यथार्थ अर्थ भाव को न समझकर आप मनमाना ही अर्थ निकाल लें, इसका तो कोई जवाब नहीं। मुक्ति के लिए निश्चित कर दिया गया कि आपको भगवत क्षेत्र में, भगवत लोक में स्थित होना रहना पड़ेगा। अब सालोक्य मुक्ति के हकदार, अब भक्ति सेवा के माध्यम से जिस प्रकार से अपने को ढाल रहे हो, उत्तरोत्तर उत्थान और विकास की तरफ, जीवन को भौतिक कामनाओं से मुड़ने के लिए और परम प्रभु की अनन्य भक्ति सेवा में जुड़ने के लिए आप अपने को कितना उठा रहे हैं, आप संसारिक कामनाओं का कितना त्याग कर रहे हैं, और उसके स्थान पर परमेश्वर की भक्ति सेवा के तरफ अपने को कितना जुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, ये आपके जीवन का दूसरा चरण होगा। पहला तो हो गया सालों की मुक्ति, यानी भगवत लोक में, भगवत क्षेत्र में स्थापित करना अपने को, और उस क्षेत्र में रहते हुए उत्तरोत्तर अपना उत्थान करना। उत्थान करना अपना कैसे, उत्थान क्या है, तो कामनाओं का क्षरण करना, कामनाओं को क्रश करना, समाप्त करना, और उसके स्थान पर भगवत भक्ति सेवा को जोड़ना। जब इस प्रकार से आप जोड़ने के क्रम में होते हैं, तब दूसरी मुक्ति आपको, दूसरा जो मुक्ति क्षेत्र है आपको सुनो, दायरे में ही रखना। परमेश्वर जो है जहां चल रहा है, जहां जिस लीला कार्य को अपना कर रहा है, तो अपने दायरे में ही रखना,
समीपस्थ रखना ये सामीप्य मुक्ति कहलाता है। जब आप भगवत क्षेत्र के अंतर्गत भगवान के ने जिस शरीर को धारण किया है उनके भगवान के शरीर के समीप सेवार्थ रहना, अनन्य सेवा की तरफ अपने को बढ़ाना, ऐसी स्थिति परिस्थिति का नाम है सामीप्य मुक्ति। जब आप भगवत सेवा में भगवत समीप रहते हुए आप अपने को ले चलेंगे तब आपकी शरीर यदि ऐसी अवस्था में छूटती है तो आपको सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। उस सामीप्य मुक्ति वाला लाभ आपको सहायता पूर्वक मिल जाता है, क्योंकि समीपता के अंतर्गत रहते हुए लोक में रहते हुए जब शरीर छोड़ेंगे तो सालिक मुक्ति आपको सुलभ है। समीप रहते हुए उस सालोक के अंतर्गत आप ऐसे सेवा कार्य भक्ति प्रदर्शित किए जिसमें भगवान जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको अपने साथ रखना जरूरी समझ रहा हो, आपको अपने साथ रख करके ले चल रहा हो, अपने साथ इर्द गिर्द दायरे में रख रहा हो, तो ये सामुक्त मुक्ति है। और ऐसी अवस्था में यदि शरीर टूट रही है तो जिस प्रकार से आप समीप रहते हुए आप चल गुजर रहे थे ऐसे ही समीपता आपको अमरलोक परम धाम में भी प्राप्त होती है। इसे कहते हैं सामीप मुक्ति। समीप रहते हुए भी आपको उत्तरोत्तर उत्थान और विकास करना है, यहां तक आपके गिरने के चांसेस हैं, यहां तक आपको भटक जाने के, आपको आप पर माया के छाप पड़ने के चांसेस हैं, बल्कि सबसे अधिक चांसेस आपको गिरने के, भरम भटकाव के, यही है सामीप मुक्ति। क्योंकि समीपता जितनी ऊंच है उतनी ही खतरनाक भी है। ऊंच तो है, सर्वोच्च है कहीं, लेकिन उसी स्तर पर एक गिरने की स्थिति में भी होती रहती है। क्यों? कि भगवान के समीप रहना, भगवान के समीपस्थ रहना अपने आप में कितनी सावधानी की आवश्यकता है, हर क्षण कितनी सावधानी की आवश्यकता है इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान किसी भी विधान में बाधा नहीं होता, किसी भी विधान में बाधा नहीं होता। वो कब क्या करेगा, आप 2500-2500 साल उसके साथ रहेंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कब क्या करेगा, कब कैसे रहेगा, कब किधर जाएगा, कुछ भी साथ रहने वाले, रात दिन साथ रहने वाले को भी इसका पता खबर नहीं हो सकता। और वो कब किस भाव में होगा रहेगा यह अभी पता नहीं चल सकता। एक आदमी साधारण नाटक करने जाता है, एक आदमी साधारण रंगमंच पर लीला करने जाता है, तो हर संभव ऐसा प्रयास करता है कि हम पहचान में न आवे, उसका हर संभव यही प्रयास रहता है कि हमारे ऐसे डायलॉग हो, हमारे ऐसे वेशभूषा हो, हमारी ऐसी डीलिंग हो कि कोई आदमी जो मेरे परिवार का भी यदि आदमी हो तो वर्षक में हमको पहचान न सके। मैं जिस पार्ट को कर रहा हूं मैं उस पार्ट में इतना घुल मिल जाऊं कि पहचान न सके, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जितना अपने को घुला मिला ले, जितना उस पार्ट के अनुरूप अपने को बना ले, यह उसकी विशेषता है। लीला क्यों कहते हैं उसको, रंगमंच पर जो नाटक किया जाता है वो लीला का पात्र है, वो नाटक का पात्र है। वह इसलिए लीला नाटक है कि वास्तव में है कोई और पार्ट कर रहा है किसी और का, है कोई और पार्ट कर रहा है किसी और का। और चूंकि पार्ट किसी और का जो कर रहा है तो जो है अपने को उसमें मर्च करके उसको रहना पड़ता है, अपने को उसके अनुसार ढाल करके रहना पड़ता है। कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र का ड्रामा खेल रहा है, हरिश्चंद्र के ड्रामा में यदि वो हरिश्चंद्र बन रहा है तो वह कौन है क्या है इससे कोई मतलब नहीं, मंच पर उसे हरिश्चंद्र के रोल में रहना है, मंच पर उसे हरिश्चंद्र जैसे अपने पोशाक को बनाना है, हरिश्चंद्र जैसे अपने गतिविधि को बनाना है,
हरिश्चंद्र से उसको डायलॉग देना है, बोली बोलना है, हरिश्चंद्र से उसको सारे व्यवहार व्यवहारित करने होने हैं। यही उसकी विशेषता है कि वह अपने को कितना हरिश्चंद्र के रूप में ढाल लेता है। अब आप देखेंगे ठीक इसी रूप में परमेश्वर जो है रहता है। परमेश्वर सबसे बड़ा जो भ्रम का कारण है, सबसे बड़ी अविश्वसनीयता का जो कारण है वह यही है कि परमेश्वर रहता तो है, परमेश्वर आता है भूमंडल पर, धारण कर लेता है मनुष्य की शरीर, कार्य करना है उसे नर लीला, रहता है परमेश्वर, उसकी पार्ट डीलिंग है नर लीला। अब सोचे जब एक इंसान अपने को जिसका पार्ट कर रहा है उसमें मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक ऐसे ही भगवान भी जो है अपने को एक सामान्य मनुष्य जैसे, एक सामान्य नर के रूप में समाज को जनाने समझाने के लिए उसको एकदम मानवीय आचार विचार व्यवहारों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी अब दोहरा रोल ज्ञानी भक्तों के लिए उसे प्रयास रहता है कि ये भगवान के रूप में देखे, जनमानस के रूप में उसका प्रयास रहता है कि ये जो है सामान्य मनुष्य के रूप में देखे। एक साथ दोनों है, एक साथ दोनों रोल है। भक्तों को अपना परिचय देना है, परिचय माने भक्तों के लिए अपना परिचय पहचान भगवान के रूप में रखना है, और अज्ञानी समाज के लिए अपना परिचय पहचान विशुद्धता इंसान के रूप में रखना है, विशुद्धता आदमी के रूप में रखना है। इस बीच जो है समाज द्वैत की स्थिति में हो जाता है। भक्त तो देख रहा है कि भगवान है, भक्त तो देख रहा है कि भगवान है, इंसान देख रहा है कि नहीं तो पगला गया है, ये तो भगवान समझ रहा है, भगवान मान रहा है, ये तो उसी को भगवान मान बैठा है। सच्चाई ये है कि दोनों सही है अपने अपने जगह पर। जो इंसान है जिसको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है वह भी सही है, इसलिए कि वह ऐसा पार्ट है, वैसा ही उसकी पात्रता है, वैसा ही उसका रोल है कि अज्ञानी जो है उसे भगवान न देख सके, और भक्त भी भगवान देख रहा है तो अभी सही है क्योंकि वैसा ही उसका पार्ट है, वैसा ही उसका रोल है कि उसको भगवान दिखलाई दे। इसलिए अज्ञानी को हमेशा ऐसे रोल में रहना चलना चाहिए, अज्ञानी को हमेशा ऐसे रोल में होना रहना चाहिए जिस रोल में ज्ञानी अपने को रख रहा है। अज्ञानी को चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, ज्ञानी को भी चाहिए कि अज्ञानी के बीच ऐसा कोई बात व्यवहार न दे जिसमें अज्ञानी भ्रम में भटकाए, भ्रम भटका में पड़े, बल्कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते उसको भी जो है ज्ञान की तरफ मोड़े। अज्ञानी और ज्ञानी को संयुक्त रूप में ऐसे मेल मिलाप में होना रहना चाहिए, अज्ञानी का प्रयास होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवतमय होने रहने का, ज्ञानी को चाहिए या अज्ञानी को उत्प्रेरित कुछ अज्ञानी से मेल व्यवहार रखते हुए उसके कुछ सामान्य त्रुटियों को भी सहते रहते हुए उसको भी जो है भगवतमय बनाने का, बनाए रखने का प्रयास करें। तो ये जो सामिप्य मुक्ति है जो भगवान का, वो इसलिए और खतरनाक हो जाता है कि दोनों रोल भगवान को एक साथ करना पड़ता है। साथ रहने वाला कभी तो देखता है कि अरे वास्तव में भगवान ही है, भगवान ही, और कभी कभी उसको भ्रम भटका होता है तो दिखाई देता है कि अरे ये तो एकदम साधारण आदमी जैसे के लिए कार्य कर रहा है। सोचिए नारद जैसा समर्पित भक्त, नारद जैसा समर्पित भक्त, भक्ति के चरम बिंदु पर नारद है, सेवा के चरम बिंदु पर हनुमान,
भक्ति के चरम बिंदु पर नारद रखे जाते हैं और सेवा के चरम बिंदु पर हनुमान। तो इस प्रकार से जो है अब नारद जैसा भक्त लोगों के चक्कर में आकर के बाहरी लोगों की बातें सुन सुन करके वे भी भ्रमित हो जाते हैं। अर्थात इससे क्या अर्थ बनता है कि ऐसे किसी के बीच ज्ञानी को नहीं बैठना चाहिए, ज्ञानी को बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए जो निरा मूढ़ हो, मूर्ख इस टाइप का मूर्ख हो, जिसके दिल दिमाग में संस्कार ही न हो, जो बिल्कुल संस्कार ही न हो, क्योंकि उसके साथ वही होता है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए आ कोयला उजला हो नहीं सौमन साबुन खाए। अरे जो संस्कार ही न हो, जिसमें भक्ति बिल्कुल ही ना हो, भक्ति ही ना हो, उसके सामने ज्ञानी को जो है ज्ञान संबंधी कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। उसके सामने ज्ञानी को ज्ञान के विषय में, ज्ञान के संबंध में कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए, भगवान के विषय में कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए, और वास्तविकता तो है कि उसके साथ होना रहना उठना बैठना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नारद जैसा भक्त इन संस्कार हीनों के चक्कर में पड़ करके वे भी भ्रम भटक जाते हैं और उनको भी श्री कृष्ण के विषय में शंका उत्पन्न हो जाता है। जब लगे सब कहने, कह रहे कृष्ण को भगवान सब लोग कहते हैं, भगवान है ये तो गोपियों के साथ, हर गोपियों के साथ जो है ऐसे रहता है वैसे रहता है। सुनते सुनते नारद को भी ऐसा लगा कि क्या सचमुच ऐसा है। सोचे नारद जैसे भक्त को उनके दिल दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है और वे चल देते हैं परीक्षा करने श्री कृष्ण का, भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने चल देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। सोचे नारद जैसा समर्पित भक्त भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने चल देते हैं कि ये सब जो कहते हैं क्या इसमें सच्चाई है, ऐसा ही है कि वो गोपियों के साथ ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। अभी कृष्ण की एक लीला आई है, जब गए और कृष्ण जी बैठे हैं अपने महल में, झरोखे से झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई बात तो सही ही है जैसे कहते हैं लोग, वो तो ऐसे रह रहे हैं गोपी के साथ। बड़े फेर में पड़े कि क्या बात दिख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं भाई, ये तो जो कह रहे हैं सब वही स्थिति है इनकी। लेकिन भगवान को जिसको तोड़ देना होता है उसके लिए तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन भगवान को अपने लीला का पात्र बनाकर जोड़े रखना होता है उसमें एक और सगुफा आ जाता है। कहे अच्छा ठीक है, जरा सा अगले कमरे को देखूं, अगले गोपी को देखूं, क्यों कभी कभी ऐसा भी सुना जाता है कि भगवान एक ही साथ कहीं के साथ रहते हैं, अगले में देखते हैं तो उसमें भी कृष्ण को देख रहे हैं, उस गोपी के साथ भी किसी अन्य किसी व्यवहार में देख रहे हैं। सोचने लगे ये क्या हो गया, एक ही साथ उस कोठरी में भी और इस कोठरी में भी। फिर कहेगी थोड़ा और आगे देखूं, अब तीसरी और कोठरी में जा रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं। यानी इस तरह से जब देखने लगे तब इनका भ्रम जो है और दूसरे तरह का हो गया। पहले तो सोचे कि भाई ये कौन सा भगवान है, कैसे भगवान है कि इस तरह से रहना शुरू कर दिए, ये सब तो जो कहते हैं सब बिल्कुल सही है। दूसरे और तीसरे भी जब देखना शुरू किए तब लगा कि ये कैसा इंसान है जो एक साथ कहीं अनेक अनेक घरों में अनेक अनेक के साथ रह रहा है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा सतपुरुषों का।